गुड मॉर्निंग, आई एम श्योर यू गैस आर शॉक्ड बिकॉज आज आप लोगों को रीता ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला है। रीता बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं क्योंकि उन्होंने कल जो वॉशरूम में आपने देखा था वो विंडो को क्लीन कर रही थी, इट वॉज़ प्रीटी हार्ड। तो वो इस टाइम में रेस्ट कर रही है। आई वॉज़ डूइंग माई प्रोजेक्ट, तो मैंने उसे फिनिश किया तो मैंने टाइम चेक किया, इट वॉज़ लाइक 2:00। मैंने कहा यार अब क्यों ना हम लोग सहरी बना लेते हैं। अभी सहरी में मेरे पास है फ्रूट्स क्योंकि आज हम लोगों ने अपनी जो रोज़ा गुजर चुका है उसमें हम लोगों ने अपनी अफ्तारी बाहर की थी, तो हम लोगों ने घर कुछ बनाया नहीं था, तो अभी हम लोगों को ब्रेड्स, फ्रूट या एग्स के ऊपर ही अपना गुजारा करना होगा। लास्ट 2 वीक्स अगो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के, उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि यार आप लोग सहरी में कैसे खा लेते हैं फ्रूट्स। बेसिकली वी रियली लाइक फ्रूट्स क्योंकि अगर आप सहरी में कोई पराठे वगैरह खाते हैं यार, तो उससे जो स्टमक है वो इट फील लाइक ओवर ईटिंग, राइट? आपने कुछ बहुत ज़्यादा खा लिया और आई डोंट फील कम्फर्टेबल वेन एवर आई ईट पराठाज और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें यह है कि जब भी मैं फ्रूट्स खाता हूँ सहरी में, तो जो स्टमक है वो एक तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि हमने कुछ ओवर ईटिंग की है, और जो सारा डे है आप लोगों का बहुत ही फ्रेश गुजरता है। तो रिदा आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है उसकी। तो ये स्ट्रॉबेरीज हैं, मैंने इनको कुछ इस तरह से कट किया है, और यहाँ पर ओरेंजेस पड़े हैं और ये मैंगो। तो अभी इन ओरेंजेस के साथ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ज़रूर पड़े हुए हैं इस टाइम में। तो इधर से ये मैंगो हो चुके हुए हैं, और ये मैंने यहाँ पर 2 eggs रखे हैं बॉईल करने के लिए। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर देता हूँ क्योंकि जो स्टीम होती है एक्चुअली इसके अंदर मशीन के अंदर, उसी से ये एग्स बन मतलब ये के प्रॉपर बॉयल हो जाते हैं। ओके, अभी एग्स जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। मैं जल्दी से ग्रैब करता हूँ ब्रेड और फिर मैं उसके ऊपर जैम लगाता हूँ और फिर मैं रीता को उठाता हूँ। तो सहरी रेडी हो चुकी हुई है, रीता को मैं उठाने लगा हूँ अभी। हनी, रीता Wake up. Honey, sari time. Sari time. Uthe. Sari time. Yes. Oh, Lily bhi keh rahi hai sari time. Uthe. You are recording? I'm recording. I prepared all sari today. Wow, really? Yeah. तो ये आज हम लोगों की सहरी है। अभी एग्स जो है वो मैं लेकर नहीं आया हूँ यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, तो आई वॉज स्लीपिंग और जैन ने जो है वो आज सारी की सारी सहरी बनाई है। आई एम सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी बनाई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आई थिंक जैन ने पहले आपको दिखा दिया है। आज तो लिली जो है वो क्लीनिंग में लगी हुई है। लिली क्लीनिंग हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है वो कर ली है और जैन जो है वो सो चुके हैं क्योंकि वो रात सोए नहीं थे। मैं तो सो गई थी 1 hour के लिए ऑलमोस्ट, तो अब मैं भी जाती हूँ और सोती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 9:20, आज हमारी चाइनीज़ की क्लास है। इट्स थर्सडे क्योंकि हमारे जो लेबर हॉलीडेज़ हैं वो 5 days की हॉलीडेज़ थी जो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, कल लास्ट डे था। तो अब से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और आई एम अ लिटिल सैड क्योंकि रमज़ान जो है वो जा रहा है। तो आज हमारा चाइनीज़ का टेस्ट है, तो सबसे पहले मैं अपना चाइनीज़ का टेस्ट करती हूँ। टेस्ट जो है वो मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अपने जो मेरा एक और चैनल है जो रिदा जैन मेकअप वाला चैनल है, तो उसके लिए मैं ईद का कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि उसके ऊपर मंथ्स हो गए हैं मैंने कोई वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं होता है।
तो अब सोच रही हूँ कि उसके लिए आज रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को अपने ईद के आउटफिट्स भी दिखा दूँ। जी लिली ये ना मुझे यहाँ से बुलाकर और यहाँ पर लेकर गया और इसने मुझे बताया कि मेरी फूड फिनिश हो गई, मुझे फूड चाहिए। वाटर हमारा ख़त्म हो गया है तो हमने ये एमरजेंसी वाली बॉटल जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, बट मैं पानी मंगाती हूँ। आज रिदा किचन में बनाने जा रही थी सालब। नहीं आप शर्मा के नहीं, शर्मा नहीं रही, मैं इनको देख रही हूँ। ये देखिए दोनों कैसे ऐसे से लड़ रही हैं। अच्छा रिदा आज बनाने जा रही थी सालब किचन में, तो मैंने इन्हें बोला कि आज आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज सारे काम मैं करने वाला हूँ। वाह आज का दिन तो आई थिंक बहुत अच्छा गुजरने वाला है मेरा। क्या मतलब आपको काम करते हुए अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आई विल रीड मोर बुक्स और आज मैं अपने जो ईद का मेकअप ट्यूटोरियल है वो रिकॉर्ड कर लूंगी, सो आई एम हैप्पी। चलें जी किचन में चलते हैं, फिर आप मेरे साथ सब सब देखते हैं आज बन क्या अरेंज कर रहे हैं। ओके देखते हैं आज जैन क्या बनाते हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो जैन जो है वो आज योगर्ट बना रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम लोग किस तरह योगर्ट बनाते हैं एक्चुअली, राइट? या आई थिंक आई टोल्ड देम लास्ट टाइम, राइट? या कि सबसे पहले हम लोग मिल्क को जो है उसको लाइट सा गर्म कर लेते हैं, मतलब वार्म होता है। मैंने बताना। ओके ओके। सबसे पहले जो मिल्क है उसे थोड़ा सा जो है हम लोगों ने उसे गर्म करना है और फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे हमारी यीस्ट। मैं भी आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने बहुत सारे पैकेट्स इसके लेकर रखे हुए हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। इसको जब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करने के बाद काफी अच्छे से मिक्स करना होता है, अराउंड लाइक 1 मिनट। तो जो मेकअप वीडियोस हैं वो मैं बनाती हूँ इस वाले कैमरा से, एंड ये कैमरा है जी कैनन 80D, ठीक है? तो इसकी मैं बैटरी जो है उसको चार्जिंग पर लगाती हूँ, इट्स सो हैवी, तो इसलिए इससे व्लॉगिंग जो है ना मुझे करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, इससे आई यूज माई सेल फोन। तो इतना जो है वो मैं अच्छे से बेड को जो है क्लीन कर लेती हूँ। हमारा वाटर जो है वो आ गया है। ये मैंने किया, आपने नहीं किया। ये बेड मैंने ठीक किया और ऐसे हीरो बन के खड़े हुए लाइक यू डिड, कम ऑन। सो मैंने जो है बिल्कुल बेड भी सेट कर लिया और अब क्या करती हूँ, आज तो मुझे किचन में भी नहीं जाना है, और क्योंकि जैन ने बोला कि आज तो सब कुछ सरप्राइज है मेरे लिए, जो भी कुछ बना रहे हैं इफ्तार में सब कुछ सरप्राइज बना रहे हैं। इतना तो मुझे पता है कि शीर खोरमा की बात कर रहे थे। क्या आपने शीर खोरमे वाला बॉक्स देखा है? तो इट मीन्स कि ये शीर खोरमा जो है वो बना रहे हैं, राइट? और उसके बाद आई डोंट नो बिरयानी बनाएंगे या पकोड़े बनाएंगे या क्या बनाएंगे, या जो मेरी बनी हुई चीज़ें हैं फ्रिज में उठा के उसको फ्राई कर लेंगे। मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं। अरे आइडिया अच्छा है। ओ नो आइडिया, क्या मतलब आइडिया अच्छा है? आज भी इट्स सुपर सुपर विंडी, लुक एट दिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी जूस 24, तो मैं इसको पढ़ती हूँ फमन आजलम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जूस 24 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब जूस 25 स्टार्ट हो चुका है। तो जूस 24 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस इतनी ही है, अभी एक और पैकेट है उसमें से हाफ तो हम लोगों ने कल नहीं बल्कि आज सुबह हम लोगों ने सहरी टाइम में खा ली थी, तो हाफ जो है उनको भी मैं स्टोर करती हूँ और बाकी जैन ने और पैकेट्स मंगाए हैं, जब वो आते हैं मैं उनको स्टोर करती हूँ। कल जब मैं स्ट्रॉबेरीज जो है इनको स्टोर कर रही थी तो मुझे मेरे किसी फॉलोवर ने बताया कि अगर आप स्ट्रॉबेरीज को 10 मिनट्स के लिए जो है वो किसी भी पॉट के अंदर विनेगर डाल के, मतलब सिरका डाल के थोड़ा सा उसको पहले वॉश करते हो, फिर सिरका डाल के उसको रख देते हो ना 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद उसको स्टोर करते हो, मतलब उसके बाद फ्रीज करते हो, तो इनका कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और बिल्कुल रेड रेड रहता है और बहुत अच्छी रहती है। तो आज मैं बिल्कुल वैसे ही करने लगी हूँ। जो हाफ हमारी स्ट्रॉबेरीज बच गई थी, देखिए स्ट्रॉबेरीज जो है उनको मैंने रख दिया है फ्रीजर में अगेन, और आज जैन जो है वो किचन में है, मुझे कहने आप मेरा ब्लॉग बनाए, एंड आई वाज लाइक कि जब मैं
व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपना व्लॉग खुद रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप भी जरा खुद रिकॉर्ड करें, आपको पता चलता है। तो जैन ने मुझे बोला है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मतलब देखिए शीर खोरमा जो मैंने आपको कहा था वही बना रहे हैं। ये तो मुझे पता चल जाएगा आप क्या बना रहे हैं। दूसरा क्या बना रहे हैं? बिरयानी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा प्लान कुछ जो है वो इस तरह से है कि सेव आवर टाइम। ओह माय गॉड, कौन सा टाइम सेव करना है? तो दाल जो है हम लोगों ने उसे रखा हुआ है फ्रीजर में, जो मैंने पकाई थी, राइट? और ओह माय गॉड, ये नहीं होता इसमें कि पकाई किसने थी। और तो आज तो आपका चैलेंज था ना आज तो? तो ये आप लोग देख रहे हैं इनको, मेरी बनी हुई दाल को, मतलब मुझे समझ आ गई आपकी गेम, आपने राइस बॉइल करने हैं। दाल जो है मेरी बनी हुई उसको गर्म करके, और ये बस शीर खोरमा बना रहे हैं। यार गर्म करके उसको तड़का लगाना होता है। तो मैं अब अपने क्लोज चेंज करने लगी हूँ, और आपने ये स्टोरेज बॉक्स जो है इसको यहाँ पर देखा होगा, राइट? ये इसके ऊपर, तो इसको मैंने उतारा है। इसके अंदर आज मैं सारे अपने जो विंटर के क्लोज हैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसमें रखती हूँ, और जो समर के ये क्लोज हैं इनको मैं निकालती हूँ। तो आज आई एम गोइंग टू वेयर दिस आउटफिट, इसको सबसे पहले प्रेस कर लेती हूँ लाइट लाइट्स, और फिर इसको वेयर करते हैं। रेस्ट हो रहा है मानो? ओके आलती, खाना खा लो बेबी। तो चेंज जो है वो मैंने कर लिया है, और अब मैं अपनी बुक रीड करने लगी हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग आउटसाइड बुक रीड करने के लिए, और 40 मिनट्स के बाद हम वापस आएंगे। आज मैं आपको आइसक्रीम भी दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने आइसक्रीम नहीं दिखाई, हालांकि मैंने लास्ट में आई थिंक दिखाई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बट आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी दिखा दूंगी, और बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम प्रो ऐप जो है उसकी उसे कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे उसकी ट्रांसलेशन को कैसे चेंज करना है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। आरती ये हैं अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, और मानो जो है वो क्वीन हमारी, ये देखिए कितने मज़े से बैठी हुई हैं, मतलब से कोई टेंशन ही नहीं है हाथ पर हाथ रखकर, राइट? मानो इज लाइक हु आर यू, बाय हनी। सो हम लोग यहाँ पर गार्बेज हमने थ्रो किया, और अब मैं बैठ के अपना पढ़ती हूँ, यहाँ पढ़ूँ या आज चले आज वहाँ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बट स्टिल अभी आपको जैकेट जो है वो लाजमी पहननी चाहिए, अदरवाइज सर्दी लग सकती है। और अब बस मैं जा रही हूँ, और जाके मैं जगह फाइंड करती हूँ, होप कि मुझे मिल जाए, उसके बाद हम लोग बुक पढ़ते हैं। अच्छा वेट, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बुक कैसे पढ़ती हूँ, मैं ऑडिबल से बुक परचेज करती हूँ, और ऑडिबल में ही ऐसा होता है कि आप बुक लिसन भी सुन भी सकते हो आप, और उसके बाद आपको वहाँ से आप जो है वो उसका PDF वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप बुक रीडिंग भी कर सकते हो। कितना मुश्किल होता है पकौड़े बनाना। वाओ, पकौड़े तो बहुत मजे के लग रहे हैं। राइस जो है इन्होंने मुझसे वॉश कराए हैं, ठीक है? और अब ये पकौड़े बना रहे हैं, और राइस मैंने वॉश किए हैं। ये पार्ट मैं कट करूंगा एडिटिंग में। वो वाई आई विल एडिट, हनी मैं एडिट करती हूँ कि आप एडिट करते हैं? आई मीन मैं एडिटिंग में कटिंग करवाता हूँ ना आपकी। आपको तो पता ही नहीं चलेगा मैं वीडियो कब रेंडर करके कब अपलोड कर दूंगी।
हाँ। तो गाइस ये मैंने अच्छे से राइस को साफ किया और इनको मैंने बॉइलिंग करने बॉइल होने के लिए रखा है। मतलब मुझे कह रहे हैं कि आप किचन में ही खड़े रहे, ये कहाँ की बात होती है। जब मैं किचन में होती हूँ मैं आपको बुलाती हूँ। यार मेरा अकेले दिल नहीं लगता किचन में। बात कल को मैं बहुत ही मजे के केक की रेसिपी दूंगी और आप लोग देखिएगा, बहुत मजे का केक होगा। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अगर आप मेरे फर्स्ट वाला व्लॉग देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर इतना बड़ा सा एक स्पॉट था जो कि काफी लाइट हो चुका है, अभी भी है बट काफी लाइट हो चुका है। तो स्किन के ऊपर जो मेरे अप्स एंड डाउन है वो आते रहते हैं यार, जो हमारी वो होने में 3 to 4 मिनट्स रहते हैं। आइसक्रीम भी आज मैंने निकाली है, स्ट्रॉबेरी वाली आपको दिखाऊंगी। और हमारे ये हैं पकौड़े, दाल चावल। दाल जो है वो जैन अभी गर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच। मानो तो ये है जी हमारी आइसक्रीम, ठीक है, जो कि हमने थोड़ी सी खाई थी और जब हमारे घर गेस्ट आए थे हमने उनको भी दी थी। तो अभी मैं इसमें से स्कूप आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी जो लोग पूछ रहे थे आइसक्रीम नहीं दिखाई, ये देखिए ये 1 स्कूप मेरा एंड 1 स्कूप जैन का, ठीक है, हम लोग आइसक्रीम खाने लगे हैं। How's it? So yummy. Really? So that's it guys. I hope कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज तो बहुत सारे काम जैन ने किए एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। शीर खोरमा जो था वो बहुत मज़े का बना हुआ था और जो लोग मेरी आइसक्रीम का कह रहे थे वो भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, राइट हनी? ओके आज सारे काम जो है वो जैन ने किए हैं। आज तो मैं काफ़ी, मेरी रूटीन जो है वो फ्लेक्सिबल तो पहले भी होती है लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री रही हूँ, इसलिए मैं बाहर चले गई थी बुक रीडिंग करने के लिए। यूजुअली मैं रात को बुक रीड करती हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मैं टाइपिंग करती हूँ, ये ऑरेंज खा रही हूँ। और कल हमने एक जगह इफ्तार के लिए जाना है जो कि मैंने आपको बताया था और मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैंने जैन को सेल पकड़ा है और उन्होंने सेल को ऐसे करके ऐसे कर दिया टोटल। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। बाय।